वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज का टॉपिक टू वायर ट्रांसमीटर वायरिंग और फोर वायर ट्रांसमीटर वायरिंग का है। तो मैं पहले फोर वायर ट्रांसमीटर की वायरिंग बताऊंगा, उसके बाद टू वायर ट्रांसमीटर की। फोर वायर ट्रांसमीटर में एक्चुअली फोर वायर होते हैं, इसलिए इसके नाम से ही फोर वायर ट्रांसमीटर पता चलता है। और टू वायर ट्रांसमीटर में टू वायर ही होते हैं और इसकी सप्लाई उसी में सप्लाई होती है, उसी में सिग्नल होता है। तो सबसे पहले हम फोर वायर ट्रांसमीटर की कनेक्शन बताता हूँ। फोर वायर ट्रांसमीटर में क्या होता है, इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई अलग से देनी पड़ती है। अब सपोज ये 24 वोल्ट की सप्लाई इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है। अलग अलग ट्रांसमीटर में ऑक्सिलरी सप्लाई अलग अलग हो सकती है। फोर वायर ट्रांसमीटर में 24 वोल्ट की जगह एसी का भी ऑक्सिलरी सप्लाई हो सकती है, लेकिन हमने मान लीजिए ये 24 वोल्ट सप्लाई का ले लिया। तो जैसे ही हम यहाँ एक MCB लगा रखी, MCB ऑन करेंगे, SMPS ऑन हो जाएगा। SMPS ऑन होगा तो यहाँ 24 वोल्ट इस बस में मिल जाएगा। मैं यहाँ से प्लस का 24 वोल्ट यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई को दे देंगे, और दूसरा इसका नेगेटिव मैं यहाँ से कनेक्ट करके इसको नेगेटिव में। अब इस ट्रांसमीटर को 24 वोल्ट मिल गई, यानी कि इसको ऑक्सिलरी सप्लाई मिल गई, तो ये ट्रांसमीटर ऑन हो गया। अब ये अपना आउटपुट निकालेगा, ये आउटपुट है। तो इसका आउटपुट 420 मिलीएम्पियर रहेगा। सॉरी, इसको यहां लिख देता हूं। तो इसकी इनपुट की वायरिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, इसका आउटपुट 420 मिलीएम्पियर निकलेगा। तो इसकी वायरिंग PLC के साथ कैसे होगी, तो इसकी सीधी सीधी वायरिंग हो जाएगी। इसका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो इस। ये जो फोर वायर ट्रांसमीटर के वायर हैं, वो इसका जो आउटपुट निकलेगा सीधा सीधा इसके चैनल जीरो पे लग गया, उसके इनपुट पे लग गया और उसके कॉमन पे लग गया। तो ये सीधा सीधा, अब जैसे ये फोर वायर ट्रांसमीटर है, जो आउटपुट निकालेगा पीएलसी को चला जाएगा, पीएलसी सेंस कर लेगी। और टू वायर की ट्रांसमीटर की वायर की बात करते हैं, तो टू वायर में कैसे कनेक्शन होगा। टू वायर की कनेक्शन करने के लिए मैं इधर से ले लेता हूँ। इसमें क्या होगा, इस ट्रांसमीटर को ऑन करने के लिए भी हमको सिग्नल 24 वोल्ट देनी पड़ेगी, और फिर उसी वायर में सिग्नल PLC को जाएगा। सपोज इसको हमने 24 वोल्ट यहाँ से दे दी, ट्रांसमीटर 24 वोल्ट मिल गई, और अब ये ट्रांसमीटर ऑन हो गया। इसका जो दूसरा वायर निकलेगा, यानी कि इसका जो नेगेटिव वायर होगा, दो वो अपने PLC का प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस PLC के इनपुट में चला जाएगा। और जो इसका कॉमन है, कॉमन वन, इसमें यहाँ से नेगेटिव डायरेक्ट भेज देंगे, यानी कि हमने चैनल जीरो पे फोर वायर को कनेक्ट करके दिखाया और चैनल वन पे हमने टू वायर की वायरिंग करी है। तो इस तरह से हमारी टू वायर ट्रांसमीटर और फोर वायर ट्रांसमीटर की वायरिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।